हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, और आज का वीडियो में मैं आपसे ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आज करने वाला हूँ कि बहुत सारे बच्चों को रिजल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट है मेरे भाई, क्योंकि मैंने आप सबको बोला था कि फर्स्ट वीक में, आपके इस महीने के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट का भी कुछ आता पता नहीं, ना कोई नोटिफिकेशन है। तो कब तक रिजल्ट आएगा, कब तक जारी होगा, ये सारे चीज़ असमंजस में आप भी हो, मैं भी हूँ, ठीक है ना सारे भाई हो। लेकिन एक चीज़ मैं आप सबको कंफर्म कर देना चाहता हूँ मेरे भाई, कि आप सब ये डिले है ना, उसका रीज़न इलेक्शन ही है, ठीक है ना। उसके अलावा कोई ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है इधर। लेकिन एक चीज़ मैं आपको 100% सियोरिटी के साथ बता दूँ मेरे भाई, सुन लो ध्यान से, कि आपका रिजल्ट आएगा ना तो तेज़ी में सारा चीज़ आएगा, ठीक है ना। इलेक्शन खत्म होंगे ना, आपके तुरंत तुरंत फिजिकल होंगे, तो इसलिए प्रैक्टिस मत छोड़ो, फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है ना। और बहुत सारे बच्चों को ये भी डाउट है कि भैया मेरा होगा कि नहीं होगा, तो एक चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ मेरे भाई, देखो अभी होगा कि नहीं होगा ये तो कोई 100% सीओ नहीं बता सकता, लेकिन एक चीज़ मैं बता सकता हूँ, प्रिपरेशन अपना कंटिन्यू रखो, ठीक है। आगे बहुत सारे पेपर है आपके, तो उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर वो छोड़े तो आपके सारे काम हो जाएंगे गड़बड़, समझ गए। तो इस चीज़ को समझ लो मेरे भाई, क्योंकि यही चीज़ आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारे भाई फर्स्ट टाइम किसी एग्ज़ाम को निकालेंगे, जो फर्स्ट टाइम किसी एग्ज़ाम में अपियर होंगे, तो उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है। जो बच्चे 3, 4, 5, 10 एग्ज़ाम में देकर फेल हो चुके होते हैं, उनको तो उतनी फ़र्क नहीं पड़ती, उनको पता हो कि आएगा प्रोसेस क्या है। लेकिन अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हो मेरे भाई, तो एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर आप बिगिनर्स हो और इसके चक्कर में आप बहुत हड़बड़ी मची है कि कब रिजल्ट आएगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, तो एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ आश्वासन कर देना चाहता हूँ मेरे भाई, प्रिपरेशन मत छोड़ो। अभी तक कोई अपडेट नहीं है, आपको यूट्यूब में हज़ारों वीडियो मिल जाएंगे जो आपको गुमराह करेंगे कि रिजल्ट इस डेट को आएगा, उस डेट को आएगा, सारे एक्सपेक्टेड डेट बता रहे हैं, ठीक है ना। किसी को कुछ भी ऑफिशियल पता नहीं है, और आप ये जो RFID वाला जो है ना सीन, ये डिजिटल मशीन से होगा, जो होगा से देखा जाएगा। बाकी अपनी प्रिपरेशन जारी रखो, फिजिकल के साथ साथ अपने रिटेन एग्जाम की प्रिपरेशन करो, दोनों साथ में आपके लिए बहुत जरूरी है, समझ गए। तो आज ये संडे स्पेशल वीडियो था, और आप सबके लिए बनाया था, समझ गए। बाकी टेंशन ना लेना, सोचता हूँ लाइव आने का, अगर लाइव हुआ, टाइम मिला तो मैं लाइव जरूर आऊँगा, ठीक है। बाकी आप ज़्यादा टेंशन ना लो, और स्ट्रेस में मत रहो, और हमेशा खुश रहो यार, ठीक है ना। किसी चीज़ की प्रॉब्लम लेनी नहीं है, ना देनी है, सीधा अपने जो गोल है उस पर फोकस रखो, सीधा सिंपल, अपना एक ही लॉजिक है, समझ रहे हो ना क्या बोलना चाह रहा हूँ। बाकी किसी भी चीज़ में आपको डाउट लगता है कि मेरा ये डाउट है, मेरा ये डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे बता देना, ताकि मैं आपके एक एक करके सारे डाउट आपके ले सकूँ, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, जो जो चैनल पर नए जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना, बहुत सारे अपडेट बचे हैं अभी फिजिकल से रिलेटेड वीडियो। अभी जैसे ही आपके रिजल्ट आते हैं ना, फिर देखना भाई, फिजिकल से रिलेटेड वीडियो आपके जहाँ पे फिजिकल होगी, उस सारे रिलेटेड वीडियो अपलोड होगी, कैसे क्या क्या हो रहा है, हर एक प्रोसेस आपको बताऊँगा, समझ गए। बस थोड़ी देर वेट कर लो, थोड़ा और पेशेंस रख लो मेरे भाई, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।